डियर्स व्यूअर्स, आज की वीडियो के साथ मैं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम, आप देख रहे हैं टीचिंग जोन चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा रीचेकिंग क्या चीज है, क्या ये करानी चाहिए, क्या इसका कोई बेनिफिट भी होता है, या आपके सिनेरियो में जो रिजल्ट आया है जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने नंबरों को लेके परेशान है कि वो लोग चैनल पे भी कमेंट्स आपने कुछ शायद देखे होंगे कि जी जिन लोगों के पेपर्स अच्छे नहीं हुए थे उनके मार्क्स क्लास के जो है वो अच्छे आए हुए हैं, और वो स्टूडेंट जिनके कह रहे हैं कि जी हमारा पेपर अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छी थी, बट वी हैव गेट एक्सपेक्टेशन से भी जो है बुरे नंबर्स आए हैं। मुझसे स्टूडेंट्स फिर पूछ रहे हैं कि क्या मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये लोग रीचेकिंग करा लें। देखें दोस्तों, सबसे पहले रीचेकिंग के लिए मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूँ। रीचेकिंग का मतलब ये है जस्ट मार्क्स की रिकाउंटिंग की जाती है। पहली चीज देखी जाती है क्या ऑब्जेक्टिव के नंबर्स ऐड हुए, अगर वो ऐड नहीं हुए तो वो ऐड हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन अनचेक्ड तो नहीं रह गया कि वहां सवाल चेक हुआ हो और आंसर्स टोटल में शामिल ना किया गया हो या मार्किंग ना की हो गई हो, किसी सवाल की मार्किंग ना की गई हो। मैनुअल के केस में तो ये बहुत सारा सिनेरियो होता था कि रिकाउंटिंग में मतलब क्वेश्चन जो है वो चेक तो जो है अनचेक तो बहुत कम रह जाते थे, या पूरा सेक्शन जो है अनचेक में चला जाता था। ये बात थी, क्वेश्चन पार्टिकुलरली एक अनचेक में नहीं जाता था। रिकाउंटिंग का सिनेरियो कुछ और था कि जनाब काउंट करते हुए ऐड करते हुए इंसान से गलती हुई कि 15 नंबर बनने थे और उसने 13 लिख दिए। ये पॉसिबिलिटी मैनुअल काउंटिंग में थी, लेकिन ई मार्किंग के सिनेरियो में अनचेक्ड बहुत सारे क्वेश्चन रह सकते हैं, लेकिन रीकाउंटिंग नहीं, वहां पे मार्क्स जो लग गए हैं वो लाजमी कंप्यूटर जो है ऐड कर लेता है और वो उसकी एडिशन में गलती का चांस नहीं होता। हाँ, आपने क्वेश्चन जो है वो पेन से अटेम्प्ट किया था, मदम था, ई मार्किंग वाले ने उसको चेक करते हुए देखा और उसको विजिबल नहीं था, उसने कहा कि ये खाली स्टूडेंट ने छोड़ दिया, उसने नॉट अटेम्प्ट में आपको जो है जीरो मार्क्स दे दिए। ये चांस बहुत ज्यादा है, ये सिनेरियो पॉसिबल है, ई मार्किंग में ये हो सकता है। और जो चीज है कि जी जस्ट रिकाउंटिंग होगी कि जो जो मार्क्स आपको मिले इनका टोटल कर लिया जाएगा, अगर वो पूरा है जितना आपका शो हुआ हुआ है रिजल्ट पे तो आपको जो है फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर वहां मार्किंग कम थी तो आपकी दुरुस्त मार्किंग हो जाएगी, नया रिजल्ट कार्ड आपको जारी हो जाएगा और आपकी रीचेकिंग फीस भी वापस हो जाएगी। अगर उसमें नंबर्स में कोई तब्दीली नहीं आई तो रीचेकिंग फीस जो है वो वापस नहीं होगी। इस सिनेरियो में ई मार्किंग वाले में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर जो है वो रीचेक करा ले। बहुत सारे चांस मुझे जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आपके मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे, अनचेक्ड आपका कोई क्वेश्चन रह गया होगा। एक और बात बताता चलूं, रीअसेसमेंट वो किसी सूरत में नहीं होगी। आप चाहे अदालत चले जाएं, वहां से डिग्री भी लेके आ जाएं, एग्जामिनर ने आपको 7 नंबर्स का क्वेश्चन था, 1 नंबर अलॉट कर दिया है, 100% एक्यूरेट आपका आंसर है, किसी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये वो अख्तियार है जो एग्जामिनर का प्रोटेक्टेड है कि जी उसने जो मार्क्स असाइन कर दिए उसको कम या ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं अब आपको रीचेकिंग वाला जो सिनेरियो है वो क्लियर हो गया होगा और अब आप जो है एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे, आपको रीचेकिंग में जाना है या नहीं जाना। हाँ, यहां बताता चलो, अपनी बेटी के लिए मैं एक पेपर में रीचेकिंग में जा रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।